एंड स्टाइल मेकअप एंड टिप्स बाय अली। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर ले और मेरे वीडियो को लाइक कर दे और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं स्टे पॉर के बैडैश काजल का रिव्यू करने वाली हूँ और लास्ट में इसका डेमो भी दे दूंगी। अगर आपको डेमो भी देखना है और रिव्यू फुल चाहिए तो आप लोग मेरी वीडियो को एंड तक देखें, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, एकदम भी जेन्यून आपको रिव्यू मिल जाएगा और डेमो मिल जाएगा और मैं जो भी बोलूँगी एकदम मेरा पर्सनल रिव्यू होगा। तो गाइज, इसे भी मैंने purple.com से ही मंगवाया था बट मैंने इसे purple hall में शेयर नहीं किया है। आई नो आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा अगर आपने मेरे हॉल को देखा होगा तो, कि मैंने इसे शेयर नहीं किया है और वो purple hall में, बिकॉज ये मुझे बाद में रिसीव हुआ था बट अब मैं इसका रिव्यू कर रही हूँ। ऐसे कार्डबोर्ड पैकेजिंग में ये रिसीव हुआ है, आगे में लिखा हुआ है यहाँ पे स्टे पॉर की बैडैश काजल और यहाँ पे ये काजल है और यहाँ कुछ डिज़ाइन बना हुआ है, बिल्डिंग्स है, बाइक में कोई लड़का राइड कर रहा है और यहाँ कुछ लिखा हुआ भी है, लुक टू ग्लैम टू बी आ टू गिव अ डैम, ओ वाओ, और यहाँ वाओ भी लिखा हुआ है और यहाँ साइड में भी कुछ लिखा हुआ है, वाटर रेजिस्टेंस, स्मच प्रूफ एंड डर्माटोलॉजिस्ट टेस्टेड लास्ट ऑल डे लॉन्ग, और आगे कुछ लिखा हुआ नहीं है। अब पीछे देखते हैं, पीछे यहाँ पे इसका MRP लिखा हुआ है 125 rupees, इसका वेट लिखा हुआ है 0.25 gram और इसका सेल्फ लाइफ है 2 साल का, और आपको कुछ भी नहीं चाहिए 2 साल का सेल्फ लाइफ, काजल 2 साल में ख़त्म हो ही जाता है, किसी किसी का नहीं होता है, जैसा कि मैं काजल नहीं लगाती हूँ ज़्यादा बट हो जाएगा यार, मेरा भी अच्छा काजल है, दिखने में तो मुझे अच्छा ही लग रहा है बट इसे मैं अभी जब डेमो करूँगी देखती हूँ कि ये पास होता है या नहीं ये सारे टेस्ट में, मतलब ये वाटरप्रूफ है या नहीं, ये स्मच प्रूफ है या नहीं। तो चलिए अब इसे ओपन करते हैं। आउच, जैसे यहाँ से ऐसे मेरे से इतना सही से कुछ भी नहीं होने वाला, मैं तो इसे ऐसे ही पाड़ दूँगी। तो ये है ब्लैक कलर, इस पर भी लिखा हुआ है स्टे कोर की बैडैश काजल स्मच प्रूफ डर्माटोलॉजिस्ट टेस्टेड एंड वाटर रेजिस्टेंस, और कुछ नहीं है, बस इतना ही कुछ, और बाकी सारे उसमें पैक में लिखा हुआ था कि प्राइस वगैरह इसमें नहीं लिखा हुआ, जस्ट वेट लिखा हुआ है वही 0.25 gram। चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसका डेमो, मैं दिखाने वाली हूँ, मैं इसे खोल रही हूँ, तो ये है ऐसा कुछ, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा ही निकला हुआ है, पहले मैं इसे हाथ में स्मच करके देखती हूँ, सॉरी मैं पहले हाथ में लगा कर आप लोगों को दिखाती हूँ कैसा है ये। एक स्वाइप में ही आपको एकदम ब्लैक कलर का काजल मिल रहा है, मतलब एकदम ब्लैक है ये काजल, इसमें कोई शक नहीं है। अब मैं इसे स्मच करके देखती हूँ स्मच हो रहा है या नहीं, ये देखिए स्मच हुआ बट थोड़ा बहुत हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, थोड़ा बहुत स्मच हुआ। अब ऐसा तो नहीं है कि हम काजल लगाने के बाद उसको ऐसे ऐसे करके निकाल देंगे, ऐसे ऐसे कुछ करेंगे, नहीं बट थोड़ा बहुत स्मच हुआ है। अब ये देखते हैं कि ये वाटर रेजिस्टेंस है या नहीं, मैं थोड़ा इसमें वाटर पोर करके आ रही हूँ, मैंने इसमें थोड़ा वाटर पोर किया है, ये नहीं हटा, मतलब ये वाटर प्रूफ है। तो अब मैं इसे अपने आईज में लगा रही हूँ ये मेरे मिरर के हेल्प से, वाओ
वाव ये कितना अच्छा लग रहा है और इतना स्मूथली ये लग गया मेरे आंखों में, मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं काजल लगा रही हूँ। बहुत ही अच्छा काजल है यार। थोड़ा सा बस ये स्मच टेस्ट में थोड़ा सा फेल हो गया, बट वाटरप्रूफ तो है ही ये और लॉन्ग लास्टिंग भी मुझे लग रहा है। तो गाइज अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आप purple.com से ले सकते हैं, बिकॉज स्टे क्वार्की का प्रोडक्ट्स आ रहा ही purple.com पे ही एक्सक्लूसिव है सिर्फ, आपको कहीं पे कोई भी साइट पे नहीं मिलेगा, ये सिर्फ purple.com पे ही मिलेगा। और मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इस काजल का। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।